जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो श्री बिल्वेश्वर द्वार है जी, ये आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पर आसपास में यहाँ पर प्रसाद वगैरह के यहाँ पर बहुत दुकानें लगी हुई है, तो आप इसका गेट एक बार देख सकते हैं और फिर इसके आपको अंदर से घुमाऊंगा मैं आज। जैसा कि आपको मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ तो इस पर आप पढ़ भी सकते हैं, तो वही डिटेल जो मैंने बताई है तो वही डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं जी। इसको एक बार पढ़ लेना आप और इधर देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है द्वार पर ही यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पर मंत्र वगैरह, और ऊपर से आपको गेट दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं जी। और अंदर से परिसर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर सूचना जो लिखी हुई है वो पढ़ लेना आप। जैसा कि मैंने अभी आपको अंदर शिवलिंग जो स्थापित था और वहाँ पर जो है एक गणेश जी की मूर्ति थी और दो भोलेनाथ जी की मूर्ति थी और पीछे की साइड में जैसा कि नाग स्थापित था, तो मैंने ऊपर से भी आपको दिखा दिया है। और बीचों बीच जो है वहाँ पर मंदिर के शिवलिंग स्थापित था, उस पर जो है जल अभिषेक यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बेलपत्र वगैरह उस पर चढ़ाए हुए थे तो मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मंदिर के परिसर में जो जो यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है और वे आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्वेश्वर नाथ मंदिर। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, और आपको इसकी डिटेल बता दूँ थोड़ी पहले, क्योंकि मैं जो हूँ मंदिर के परिसर के बाहर ही बैठा हूँ। तो बिल्वेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन जो है स्कंद पुराण में किया गया है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर माना जाता है 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उसके बाद जो है माता पार्वती की तपस्या को देखकर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शाखा के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे, और जिससे कि उसका नाम बिल्वेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है जी। एक बार आपको इसका गेट दिखाना चाहूँगा बाहर से, उसके बाद अंदर के आपको दर्शन कराएंगे सारे ही मंदिर के। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो उस अब जो है यहाँ पर बिल्वेश्वर महादेव मंदिर का जो शिवलिंग है यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे यहाँ पर स्थापित किया गया है जी। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और एक न्यू व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग के साथ, व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एक बार आपको इसका गेट दिखा दूँ और उसके बाद फिर अंदर के दर्शन कराएंगे हम आपको इसके। यहाँ पर जो है मंदिर में एंटर होते ही जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा पीपल का यहाँ पर पेड़ लगाया गया है, और इधर से आपको दिखा दूँ तो एक यहाँ पर ये कुआं लगता है मुझे, कुआं है यहाँ पर, और इधर से आपको दिखाना चाहूँगा तो इधर भी एक यहाँ पर पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है जी। तो इधर से भी आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है यहाँ पर अजगर करे ना चकारी, पंछी करे ना काम, दास मूल का कह गए सबके दाता राम, मृत्यु को सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है तुलसी पंछी के पिए, घटे ना सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो साहे रघुवीर। तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर घंटा भी लगा हुआ है जी, आप देख सकते हैं। और एक दोहा ये लिखा हुआ है, आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्ते महान रिपु, और ऊपर सूचना भी आप पढ़ सकते हैं। तो मंदिर का परिसर इधर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पर जो है ये कुआं है यहाँ पर, और जैसा कि आप एक ये पेड़ देख रहे हैं तो ये जो है काट दिया गया है किसी कारणवश। और इधर प्राचीन बिल्वेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जी कितना सुंदर इसका परिसर बना हुआ है इस महादेव मंदिर का। तो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पानी की टंकियाँ भी लगी हुई है, और इधर से आप पीपल का वृक्ष देख सकते हैं जी, कितना सुंदर इसका परिसर आ रहा है। और मंदिर का परिसर इधर से सारा कवर करके दिखाऊंगा क्योंकि इधर से फिट हो पाएगा, आप देख सकते हैं जी। और अभी आपको इसके अंदर घुमाना चाहूँगा मैं, पीछे जो है हरियाली वगैरह ज़्यादा है, और घंटा यहाँ पर बहुत बड़ा लगा रखा है इस मंदिर में, तो सारा ही परिसर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चलता हूँ अंदर की ओर, और आपको भी महादेव जी के दर्शन कराता हूँ, और मैं भी करूँगा और आप भी कर लेना। तो मंदिर के बाहर ही जो है यहाँ पर परिसर में यहाँ पर नंदी महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई है, भोलेनाथ जी की सवारी की। तो ये जो है टोटल पीतल की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं। बहुत सी जगह जैसे कि यहाँ पर संगमरमर की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर जो है पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं जी इसको। और एक बार आप आगे से भी देख सकते हैं मूर्ति को, तो ये मंदिर का परिसर में रखी हुई है जी, गर्भगृह के बाहर। Thank you.
तो ये शिवलिंग स्थापित है जी यहाँ पर, और मूर्तियां भी इधर देख सकते हैं आप। जैसा कि मैंने अभी आपको अंदर शिवलिंग जो स्थापित था और वहाँ पर जो है गणेश जी की मूर्ति थी और दो भोलेनाथ जी की मूर्ति थी और पीछे की साइड में जैसा कि नाग स्थापित था, तो मैंने ऊपर से भी आपको दिखा दिया है। और बीचों बीच जो है वहाँ पर मंदिर के शिवलिंग स्थापित था, उस पर जो है जल अभिषेक यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बेलपत्र वगैरह उस पर चढ़ाए हुए थे, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मंदिर के परिसर में जो जो यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है और वे आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है घंटा भी बहुत भारी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जी मंदिर का परिसर ये। और इधर से भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर की ये मूर्ति दिखाना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पर जो है गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं जी ये गणेश जी की मूर्ति। तो ये गणेश जी की आप मूर्ति देख सकते हैं, बाकी इसके द्वार नहीं खुले हुए हैं अभी, यहाँ पर जो है गेट बंद है। और अगर सेकंड मंदिर में दिखाओ तो यहाँ पर जो है संकट मोचन हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं जी। और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है थर्ड नंबर पर जो है यहाँ पर देवी माता की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहाँ पर एक भोलेनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर छोटी मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं जी। ये भी इनकी बराबर में नंदी महाराज जी की भी एक मूर्ति स्थापित की गई है। जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है शनि, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबके यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है, आप देख सकते हैं जी। तो बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है। और मंदिर का परिसर आप इधर से देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर मार्बल लगाया हुआ है नीचे की साइड में, आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का परिसर बना रखा है जी इस मंदिर का। इस मंदिर का परिसर दिखा रहा हूँ, और पीछे जो है हरियाली आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर आ रहा है। और चलिए अब आपको ये मंदिर दिखा दूँ एक बार। तो इस मंदिर में एंटर होते ही यहाँ पर भी नंदी महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं जी, ये भी बहुत प्यारी मूर्ति बना रखी है। और चलिए अंदर को लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े साइज का शिवलिंग स्थापित है, आप देख सकते हैं जी। तो देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ। और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है देवी माता की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और गणेश जी की। और इधर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर भी एक शेरोवाली माता जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, बहुत अच्छी प्रतिमा विराजमान है जी, ये भी आप देख सकते हैं। और नंदी महाराज जी की मूर्ति बाहर से आप देख सकते हैं जी। और इस तरह आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं ये शिवलिंग। और चलिए अब चलता हूँ मैं बाहर की ओर लेकर, आपको दूसरे मंदिर में घुमाता हूँ। तो यहाँ पर प्राचीन गौरीकुंड मंदिर जाने का मार्ग इधर है, अगर आप प्राचीन गौरीकुंड जाना चाहते हैं तो इधर से सारा ही परिसर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी है। और प्राचीन गौरीकुंड द्वार ये है जी। तो चलिए इधर से आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये भी एक मूर्ति स्थापित की गई है। तो इधर आप देख सकते हैं जी, ये नंदी महाराज जी की काले कलर की मूर्ति, तो ये काले कलर की मूर्ति है जी यहाँ पर स्थापित। तो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा आप देख सकते हैं जी, बहुत अच्छी प्रतिमा ये भी बनाई गई है। यहाँ पर जो है यहाँ पर धुना है बिलकेश्वर महादेव मंदिर का, तो यहाँ से भी आप परिसर देख सकते हैं जी मंदिर का। और ये मूर्ति तो मैंने आपको दिखा दी, तो चलिए चलता हूँ दूसरी ओर लेकर। और यहाँ से भी आप मंदिर का इसका परिसर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये मंदिर दिखाया था। और इधर यहाँ पर परिसर देख सकते हैं, टोटल जो है मार्बल लगा हुआ है जी इस मंदिर में भी। अगर आप प्राचीन गौरीकुंड जाना चाहते हो तो मंदिर के अंदर से ही रास्ता है, बाकी इसका मेन गेट आपको मैंने दिखा दिया था। मंदिर का परिसर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इधर जो है एक हॉल बनाया हुआ है, और इधर पीछे की साइड से मैं आपको ये मंदिर का परिसर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जी कितना सुंदर यहाँ का परिसर बना रखा है। और सारे में से ही आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं जी। और चलिए अब चलता हूँ मैं आगे की ओर, और फिर दिखाऊंगा आपको गौरीकुंड यहाँ पर जो बना हुआ है। तो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस मंदिर का व्यू, कितना सुंदर परिसर लग रहा है जी, और पीछे हरियाली होने के कारण तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तो चलिए चलता हूँ आप गौरीकुंड की तरफ लेकर आपको। ये परिसर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ उधर की साइड से जिधर गौरीकुंड का रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं जी ये गेट बना हुआ है इधर। और इधर से आपको दिखा दूँ जिधर गौरीकुंड बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं तो कितनी यहाँ पर पब्लिक दर्शन करके आ रही है वहाँ के। तो चलता हूँ मैं भी। तो जैसा कि आपको मैं यहाँ का परिसर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ही बना हुआ है जी वे गौरीकुंड, आप देख सकते हैं। और कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतार के जाए यहाँ पर। तो इधर से आपको परिसर दिखाना चाहूँगा, और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर जो है फिर पहाड़ियाँ है, जंगल ही जंगल है, तो आप देख सकते हो। और रास्ता भी यहीं ख़त्म है, आप देख सकते हैं जी इतना सुंदर यहाँ का परिसर बन रहा है। और चलिए अब आपको अंदर की ओर लेकर चलता हूँ, और दर्शन कराता हूँ आपको कुंड के। तो चलते हैं, और रास्ता बहुत सुंदर बना रखा है जी।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं श्री गौरीकुंड माँ भगवती तथास्थली, तो परिसर आप देख सकते हैं यहाँ का, और आपको सारे ही परिसर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है जी। और जिधर से मैं आया हूँ इधर से भी आपको दिखा दूँ परिसर, तो देख सकते हैं जी आप। और चलिए अब आपको आगे से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुंड। तो जैसे कि मैं आपको वे गौरीकुंड दिखाने वाला था, तो दोस्तों गौरीकुंड दिखाने के लिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो है गौरीकुंड के आसपास यहाँ पर धुलाई चल रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर पर्दे डाले हुए थे पंडित जी ने, तो इस वजह से मैं आपको कुंड में नहीं दिखा पाया, तो दोस्तों इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मगर बाहर से मैंने दिखा दिया था और मंदिर का जितना परिसर था वे मैंने आपको दिखा दिया, तो मंदिर का परिसर जो है बहुत काफ़ी अच्छा बना हुआ था, अंदर का शिवलिंग भी दिखा दिया और यहाँ पर किन किन की मूर्ति स्थापित थी वे भी मैंने आपको दिखा दी, और इस मंदिर की जितनी भी डिटेल थी वे भी मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों मंदिर का परिसर जो है काफ़ी स्वच्छ और सुंदर जगह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाली बहुत है, अगर प्रकृति है तो हरियाली है और शुद्ध वायु है और शुद्ध वातावरण है, तो कृपया जो है प्रकृति का ख्याल रखें और पेड़ अवश्य लगाए, वहाँ पर गंगा आरती में भी वहाँ पर कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है पेड़ अवश्य लगाए और पेड़ों को ना काटे और पानी हमेशा देते रहे उन्हें, क्योंकि जिससे कि वे सूखे ना और शुद्ध वातावरण बना रहे। तो इस सृष्टि में जब तक पेड़ है तो दोस्तों हमारा जीवन संभव है, वरना ये जो है जीवन संभव नहीं है। इसमें जो है पेड़ लगाने से आपको बहुत जीव जंतुओं को भी फायदा होता है, तो इस वजह से जो है वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि वैसे ही दुनिया में पॉल्यूशन बहुत है, तो इस वजह से वनों की रक्षा करें और पेड़ अवश्य लगाएं। तो यहाँ पर जो है हरिद्वार के अंदर पेड़ बहुत है, हरे भरे पेड़ है, और पहाड़ियों पर भी बहुत पेड़ यहाँ पर जमे हुए हैं। तो एक बार आपको यहाँ का परिसर दिखा दूँ एक बार मैं आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है बहुत अनेक पेड़ यहाँ पर सागुन वगैरह के और बहुत पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, पीछे जो है ऊंची पहाड़ी है इन पेड़ों के, जैसा कि गौरीकुंड मैंने आपको दिखाया, और इधर से आपको मंदिर दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिधर से मैंने आपको दिखाया था कि इधर गौरीकुंड है। और तो चलिए मंदिर के अंदर का परिसर दिखा दूंगा और फिर वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर एक भगवान शिव की यहाँ पर और पार्वती जी की यहाँ पर एक तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और इधर से मंदिर का परिसर आपको मैं दिखा दूँ तो कितना स्वच्छ और सुंदर यहाँ का परिसर बना हुआ है, और इधर का भी मैंने आपको दिखा दिया था, तो सारा ही परिसर कवर कर लिया लगभग। और अब चलूँगा मैं बाहर की ओर, तो यहाँ पर जो है बिल्केश्वर मंदिर के यहाँ पर दोहे वगैरह, तो यहाँ पर जो है मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। और चलिए अब बाहर की ओर चलता हूँ आपको लेकर, तो परिसर जो है काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आपको इधर से एक बार दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हैं जी ये मेन एंट्री द्वार इसकी, और ये आपको इधर से तो मैंने दिखाई दिया, तो चलिए बाहर की ओर लेकर चलता हूँ आपको और वीडियो एंड करते हैं जी। तो दोस्तों अगर ये आपको ये व्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये व्लॉग वीडियो कैसी लगी, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट प्लेस पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।